तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। चलो एससी वर्मा, हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली जो है एक बेसिक प्रॉब्लम है, और इस बेसिक प्रॉब्लम में हम लोग करते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको ट्राई करते हैं। टू एस्पियर अब मास 10 kg एंड देखो दोनों का मास, इसका भी मास कितना है यार, 10 kg है, और इसका भी मास कितना है भाई, इसका भी मास 10 kg ही है। तो ये जो सेपरेशन है इनके बीच का, ये जो सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज बेसिकली 10 cm के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये जो सेपरेशन 10 cm है, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे, तो जो दो एस्पियर हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से ऐसे अट्रैक्ट करते हैं यार, इनके बीच एक फोर्स लगता है, वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है पर डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। तो इस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो जी मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अब बस सिंपली इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 होता है, और पहले वाली बॉडी का मास बोलो केजी में लेना है, तो 10 × 10 और डिवाइड कर दें बच्चों कितने से, रेडियस, रेडियस कितना था 10 cm, 10^-2 m² का स्क्वायर। तो फाइनली जो ये फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड हो जाती है, तो ये 6.67 इंटू 10^ जोड़ लो आप इसको, -7 आ जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि बहुत आसान सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, लेकिन इस सवाल से हम एससी वर्मा के जो प्रॉब्लम है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों एक्सरसाइज वाले। तो आप पूरा इसको देखो और इन्जॉय करो। तो आई होप कि PDF और डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहो, इससे आपको अच्छे लिंक मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार।